लास्ट पार्ट है आज का एनर्जी। आपको अगर एनर्जी को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? अगर हम डेफिनेशन करें, इट इज़ डिफाइंड एज द कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क। ये एनर्जी है। एनर्जी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक मैकेनिकल और एक नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल में सिर्फ दो टाइप की एनर्जीज आती हैं, पोटेंशियल एंड काइनेटिक। नॉन मैकेनिकल में इनके अलावा दुनिया भर की सारी एनर्जी नॉन मैकेनिकल हैं, जैसे साउंड, लाइट, विंड, जो भी एनर्जीज हैं सब नॉन मैकेनिकल हैं। हम क्या करेंगे अभी इस महीने या अभी दो तीन महीने कह लो, हम सिर्फ पोटेंशियल और काइनेटिक ही स्टडी करेंगे बस, यानी कि मैकेनिकल पे काम करेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मैकेनिक्स, मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन कुछ देर के बाद जनवरी के अंदर या आगे जाके एक चैप्टर आएगा, एक महीने का चैप्टर है, उसका नाम है साउंड वेव्स, आपके सिलेबस में एंड का चैप्टर यही है, उसमें पढ़ाई जाएगी साउंड एनर्जी। फिर प्लस टू के अंदर डेढ़ महीने का चैप्टर है ऑप्टिक्स, डेढ़ महीना लगता है ऑप्टिक्स पढ़ने में, लाइट की स्टडी को ऑप्टिक्स बोलते हैं, तो लाइट एनर्जी उसमें स्टडी करते हैं। तो नॉन मैकेनिकल पार्ट बाद में आएगा, अभी क्या चलेगा, मैकेनिकल। मैकेनिकल एनर्जी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पोटेंशियल एंड काइनेटिक। जब आप ये पूरी प्लस वन प्लस टू में एनर्जीज पढ़ेंगे तो आप दो चीज़ें नोट करेंगे। एक, हम डिफरेंट टाइप की फोर्सेस को स्टडी करेंगे। जैसे जब हमने न्यूटन के लॉज किए, रस्सी में हमने टेंशन पढ़ी, नॉर्मल रिएक्शन पढ़ी, हम किस कैटेगरी की फोर्स को पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स में, अभी एक किस्म की फोर्स चल रही है। फिर प्लस टू में चार्जेस के ऊपर फोर्स आएगी, कूलम फोर्स, मतलब चार्जेस की फोर्स को कूलम फोर्स बोलते हैं। फिर मैग्नेट के बीच में फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। चलो ये बातें आपके समझ में आती हैं कि तरह तरह की फोर्सेज हैं तो तरह तरह के नाम हैं, समझ में आती है। आपको ये बात तंग करेगी पूरे दो साल कि जब मैं बोलता हूँ पोटेंशियल एनर्जी, तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करूँ इन केस ऑफ जो हम करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसकी टाइप्स हैं, पोटेंशियल एनर्जी की टाइप्स हैं। जैसे पहली टाइप है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको MGHF बोलते हैं। आपने एक पत्थर को एच हाइट पर उठाया और एनर्जी कितनी स्टोर हो गई पत्थर में, MGH, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। एक और एनर्जी करेंगे स्प्रिंग की एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो हम पढ़ेंगे वो दो किस्म की है, एक आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक स्प्रिंग को खींचने की एनर्जी, वो भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। फिर आप कहेंगे ठीक है मुझे समझ में आ गया, इस दुनिया में पोटेंशियल एनर्जी दो किस्म की है, मैंने कहा कौन सी, कहते ये वाली दो जो आपने करवाई थी। फिर एक दिन आएगा मैं कहूँगा देखो दो चार्जेस हैं, चार्जेस के बीच में भी एनर्जी, आपको कि कौन सी, मैं कहूँगा पोटेंशियल, आपको कि ये तो लिखवाई नहीं इस फ्लो चार्ट में। फिर एक चैप्टर आएगा प्लस टू में मैग्नेटिक्स, तो मैं मैग्नेट के फॉर्म में बोलूँगा, आप बोलोगे कौन सी एनर्जी, मैग्नेट, मैं बोलूँगा पोटेंशियल एनर्जी, आपको ये तो लिखवाई नहीं। तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कई किस्म की है, हाँ ये कई किस्म की है। तो आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो कि यार हर चौथे दिन ये पोटेंशियल एनर्जी को खोल के बैठ जाता है, पहले ये बता दो दे कि कितनी किस्म की पोटेंशियल एनर्जी है। तो मैं आपको एक स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ, अगर आपने पोटेंशियल एनर्जी को समझना है तो आप बस एक ही डेफिनेशन सुन लें, और ये मेरी, मैं एनर्जी को कैसे देखता हूँ ये मैं बता रहा हूँ, स्पेशली पोटेंशियल को। प्लस वन प्लस टू करने के बाद जो मेरे समझ में आई बात, वो एक डेफिनेशन यही है, अगर आप कभी भी किसी भी चीज़ की नेचर के अगेंस्ट काम करेंगे, नेचर, नेचर समझते हो, दुनिया बनी, नेचर बनी, उसके अगेंस्ट अगर आपने काम किया, पहली बात तो नेचर अलाउ करेगी नहीं, और अगर करेगी तो आपको वर्क डन करना ही पड़ेगा वो काम करने के लिए। और जो आप वर्क डन करेंगे वो उस बॉडी में स्टोर होगी ही होगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आपको कि एग्जांपल देखो, एग्जांपल समझो, नेचर जाती है, दुनिया के सारे पत्थर धरती पे पड़े रहे और पड़े भी हैं, लेकिन तुम नहीं चाहते, तुम नेचर के अगेंस्ट काम कर रहे हो, तुमने पत्थर उठाया और 10 मीटर हाइट पे ले गए, देखो नेचर के अगेंस्ट है वो, तो तुम छोड़ के देखो नेचर फिर उसको नीचे ले जाएगी, और तुम क्या कर रहे हो, ऊपर लेके जा रहे हो अगेंस्ट नेचर, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। तो तुमने मान लो 15 जूल का वर्क डन कर दिया, अब तुम एक काम करो छोड़ो इसे, जैसे ही छोड़ोगे पत्थर कभी रुकेगा नहीं, वो नहीं जाएगा, और वही पोटेंशियल एनर्जी देखना काइनेटिक की फॉर्म में भी दिखेगी आपको नीचे। पर कहने का मतलब जो आपने 15 जूल का वर्क डन किया उसको उठाने में, वो कहीं खराब नहीं गया,
वो उस पत्थर में पड़ा हुआ है। इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आप छोड़ के देखें, वो अपने आप एनर्जी वर्क डन में कन्वर्ट होकर नीचे गिरेगा। दूसरा एग्जाम्पल, स्प्रिंग लो। स्प्रिंग, स्प्रिंग एक ऐसा मटेरियल है, आप खींचते हो, आप उसको एक्सपैंड करते हो, वो कंप्रेस हो जाता है, आप कंप्रेस करते हो, वो एक्सपैंड हो जाता है। ये रूल है, उसकी नेचर है। और वो रहना कैसे पसंद करता है बाय नेचर? नॉर्मल, ना वो दबना चाहता है ना वो एक्सपैंड होना चाहता है, नॉर्मल। तुम गए, तुमने स्प्रिंग को खींच दिया, अब वो तो नॉर्मल रहना चाहता है, नेचर के अगेंस्ट है उसके, पर तुमने क्या किया? फोर्स लगाई और तुम्हें वर्क डन करना पड़ा उसके नेचर के अगेंस्ट। और तुमने मान लो वर्क डन 15 जूल कर दिया, अब तुम एक काम करो, उसको छोड़ो, देखो तुम्हारे हाथ पे आगे लगेगा वो, क्योंकि उसके अंदर क्या स्टोर है? पोटेंशियल एनर्जी। पॉइंट है, जैसे दो चार्जेस हैं, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक समझाता हूं, दो चार्जेस हैं प्लस एंड प्लस, ये दोनों इकट्ठे रहना पसंद नहीं करते, पर तुम जबरदस्ती उनको पास लेके आ रहे हो, ये दो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल। पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। तुमने वर्क डन किया 15 जूल, अब छोड़ो, देखो भागेंगे एक दूसरे के आसपास, क्योंकि इनमें क्या स्टोर हो चुकी है? पोटेंशियल एनर्जी। मैग्नेट्स हैं, पास नहीं आ रहे नॉर्थ एंड नॉर्थ, जबरदस्ती लेके आ रहे हो, फिर से वर्क डन। तुम कोई एग्जांपल ले लो, चलो तुम ये तो मेजरेबल एनर्जीज है जो मैं बता रहा हूँ, इसके तो फॉर्मूले भी हैं, तुम अपनी बात कर लो। तुम्हारी नेचर नहीं है कि तुम नॉन मेडिकल लो, और जबरदस्ती तुम्हें बिठाया जा रहा है कि तेरे को तो नॉन मेडिकल करना ही पड़ेगा। तुम एक दिन पढ़ सकते हो, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, तुम्हारे अंदर भी फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी और एनर्जी भर जाएगी, और तुम रिवोल्ट में उतराएगे घर पे कि मैं नहीं करूँगा। देखो जितनी भी फोर्स लगती जाएगी पीछे से, वो सारी की सारी बैकफायर करेगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पर ये एनर्जी मेजरेबल नहीं है, दिस इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, इमोशंस है ना बीच में, इसलिए तो ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको जो मेजरेबल है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, जब जब नेचर के अगेंस्ट वर्क डन होगा, वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसे तो पोटेंशियल एनर्जी दुनिया भर की बहुत सारी हैं, हम अभी सिर्फ दो ही पढ़ने वाले हैं इस महीने, और जिसका नाम है ग्रेविटेशनल और इलास्टिक। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी MGH है, आप ग्रेविटी के अगेंस्ट एक ऑब्जेक्ट को उठाएं, अमाउंट ऑफ वर्क डन जो करेंगे वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशन एनर्जी। और दूसरा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या स्प्रिंग एनर्जी, इसका होने का रीज़न इसकी कॉन्फिग्रेशन है। कॉन्फिग्रेशन का मतलब वो कैसे आपने उसको एक्सपैंड या कंप्रेस किया। आप एक टॉय लेके आए चाबी वाला, आप क्या करते हैं? आप चाबी देते हैं, चाबी देके थक जाते हैं, एंड में बहुत वो मूव भी नहीं करती, अंदर वो चाबी नहीं है, अंदर स्प्रिंग लगा हुआ है। आप किसी चीज़ पे स्प्रिंग को खोल, वो खुलता जा रहा है, खुलता जा रहा है, एक्सपैंड होता जा रहा है। उसकी नेचर नहीं है एक्सपैंड होने की, तुम्हें वर्क डन करना पड़ा है उसका एक्सपैंड करने के लिए। अब तुम थक गए, तुमने छोड़ दिया, वो वापस टॉय चलना शुरू कर देता है, क्योंकि स्प्रिंग अनफोल्ड हो रहा है, वो नॉर्मल पोजीशन पे आने की कोशिश कर रहा है। जब वो अनफोल्ड हो रहा है, वो सारी एनर्जी उसके टायर्स में जा रही है और चलना स्टार्ट कर देता है। तो चाबी खत्म हो गई, वो खत्म हो गया, आपका वर्क डन स्टोर खत्म हो गया, टॉय रुक गया। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि ये क्या बेसिक फिनोमेना है। तो ये दो किस्म की एनर्जीज को हम स्टडी करेंगे, तो अभी चलो इसको नेक्स्ट टाइम ही करेंगे, इसकी डेरिवेशंस हैं, इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे।